सो हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में छोटे से फंक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कहां से है मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमारे पास चैप्टर 8 है क्लास 12th मैथ का। तो एनसीईआरटी में चैप्टर 8 हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है एरिया फाइंड करना है किसी भी इनक्लोज बाय एनी हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है। जैसे कि यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इलिप्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन हमने सर्कल के लिए भी देखा, सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, जो भी सर्कल हमारे पास 2D एक्सिस, जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते क्वाड्रेंट में, जो भी एरिया इनक्लोज करता है उसको हमने एरिया फाइंड किया था। तो यहां पर हमारे पास इलिप्स दिया है, सबसे पहले इसका ग्राफ को ट्रेस कर लेते, ग्राफ बना लेते। पहले हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास हमारी नॉर्मल एक्सिस आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बनती कैसे है, क्लियरली हमें बहुत अच्छे से पता है। थोड़ा सा अपनी इलिप्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ए ग्रेटर होता है बी से तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी बनता है, बी ग्रेटर होता है ए से तो वाई एक्सिस भी बनता है। नॉर्मली मैंने ये बना लिया, इस केस में हमारे पास ए ग्रेटर है बी से। होता क्या है, ये वाला पोर्शन हमारे पास सी सेंटर हमारे पास ओ होता है 0 0, ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला माइनस में ए होगा, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो ए 0, यहां पर माइनस का ए 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस की डायरेक्शन। छोटा मोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको सब पता होगा ना क्योंकि 11th में हमने काफी अच्छे से इलिप्स को पढ़ा हुआ है। ये बी पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव होगा यहाँ पर। सो कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आएंगे, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, यस और नो। सो नॉर्मली हमने बोल सकते इसके कर्व को ट्रेस कर लिया है। अब इसने ना दोनों ही एक्सिस में चारों क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ एरिया इनक्लोज करा है, ठीक है, ये एरिया बाउंड करा है ये वाला। मैं सिर्फ एक का फाइंड कर क्वाड्रेंट फर्स्ट में फाइंड कर फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या टोटल इनक्लोज एरिया फाइंड हो जाएगा, यस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये चीज आप भी ध्यान रखना है, क्या सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर मैं फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास टोटल इनक्लोज सर्कल जो है जितने भी टोटल इनक्लोज बाय द एलिप्स जितने भी एरिया इनक्लोज करा है ये सब फाइंड हो जाएगा। तो एरिया फाइंड करने दो तरीके हैं, दो मेथड है, मैंने इसकी डिटेल वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखी डिटेल वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टर्म टू क्लास 12th की मैथ की मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी है, वहां से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास एरिया कैसे निकलता है, वाई डीएक्स, अगर डीएक्स फॉर व्हाट, फॉर एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो डीएक्स लिखेंगे, अगर मैं वाई एक्सिस से लेता तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई लिखते। तो डीएक्स लिया है तो एक्स एक्सिस पे लिमिट क्या है, जीरो से सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की, जीरो से ए तक। सो जीरो से ए की लिमिट लेंगे। मैंने आपको छोटा सा पॉइंट और बताया था, क्या चार क्वाड्रेंट है ना, तो मैं फोर से मल्टीप्लाई करके चारों की एक साथ फाइंड कर सकता हूँ, चाहे तो सिर्फ एक का निकाल कर लास्ट में फोर से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे स्टार्टिंग में कर देंगे, मर्जी है। एक चीज और क्या बताई मैंने आपको, क्या अगर मुझे एरिया वाई एक्सिस के उससे निकालना है, सो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर डीएक्स क्यों लिया, वाई डीएक्स ही क्यों, एक्स डी वाई भी तो हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, उसका मैं पॉइंट यहां लिख देता हूँ, आपको अगर ट्राई करना है तो इसका एक्स डी वाई से भी कर सकते हैं, लेकिन डी वाई तो ध्यान रखना लिमिट भी वाई वाली चलेगी, यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिमिट है, जीरो से बी वाली लिमिट चलेगी, बस ये चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। फोर से मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, कोई खास चेंजेस नहीं है। इससे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर पता है वाई डीएक्स है तो फंक्शन से गिवन इक्वेशन से वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस चेंज इनटू माइनस, ठीक है, यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि हमने ले लिया है, डिवाइड वाला चेंज इनटू डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये वाई स्क्वायर सेम। अभी हमने रूट नहीं भेजा है, अभी भेजते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पे हमने एलसीएम लिया, डिवाइड वाला बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और स्क्वायर चेंज इनटू रूट, अब आएगा बी अपॉन ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये नॉर्मल सी हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, वाई की, ध्यान रखना प्लस माइनस में आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट से कोई भी डिजिट बाहर आती ना तो प्लस माइनस में आती है, तो वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे फिर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर से ऐसे लिखते हैं, वाई की वैल्यू बी अपॉन ए जिसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, यस और नो। वाई की वैल्यू क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बाहर रह गया, जीरो से ए लिमिट सेम ऐसे लिखते हैं, डीएक्स वाला पार्ट सेम ऐसे लिखते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में डायरेक्ट, तो इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी भी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले सेम ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस फोर बी अपॉन ए, ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, बहुत अच्छे से सुनेंगे, आइडेंटिटी होती क्या है, एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो से ए हमारे पास लिमिट है, सॉल्व करेंगे यहां पर। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन को डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर हम। सो यहाँ पर देखिए पहले लिमिट क्या है, ए पुट करेंगे,
अगर मैं यहाँ ए रखता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट जीरो, ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन टू सेम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ए अपॉन ए वन होता है, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। माइनस लिखते हैं, हम लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट में अगर मैं जीरो रखता हूँ, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे सारा जीरो, यहाँ पर जीरो रखता हूँ, साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो ये सब जीरो हो जाएगा लोअर लिमिट में। ये थोड़ा सा डायरेक्ट वाला पार्ट था, थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करने वाला पार्ट, जो बेसिक है जो हम अच्छे से कर भी सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन टू सेम, ए से ए कैंसिल, एक वन बचेगा, वन वैल्यू साइन में साइन 90 की होती है, जिसे हम पाई बाय टू लिख सकते हैं। इनवर्स को सॉल्व करना आता है ना, अच्छे से कर लेंगे। टू टू या फोर कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, पाई ए बी रिमेन। सो आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास इलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए आता है डायरेक्ट, अगर तो पाई ए बी डायरेक्ट फॉर्म में होता है। वैसे किसी कॉम्पिटिशन सेक्शन में आपको मिलेगा ऐसे, हमारे पास एनसीईआरटी बहुत सीबीएसई के क्लास 12 के पेपर में मिलना नहीं, कि एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करो। पाई ए बी, ए हमारे पास क्या होता है, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस वाला, बी ए वाला पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई पाई से कर देगा, पाई ए बी से हमारा एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड हो जाएगा। जिससे फॉर्मुला भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है, किसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले मेथड से। होप सो ये क्वेश्चन या फिर एरिया ऑफ एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स की गिवन इक्वेशन से एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन में कैसे यूज करना है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी टर्म टू क्लास 12th के मैथ्स के पेपर के लिए, काफी ज्यादा यूजफुल रहे होंगे आज के क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो क्वेश्चन को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच सके।